हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा। मैं हूँ देवारती। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है ना यार, ये बड़ा ही दिल के करीब है। सो शायद मैं कभी कभार इमोशनल हो जाऊँ, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा फंबल कर सकती हूँ। तो क्या हुआ था, इट वॉज मिडल ऑफ जनवरी, 16th of January, जबकि मुझे पता चला कि येस आई एम प्रेगनेंट। एंड देन आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज, लाइक मुझे आगे का कुछ पता नहीं था। मतलब कैसा एक मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि मैं खुश भी थी, खुश नहीं भी थी। सप्तोषी दैट टाइम ऑफिस में था, तो मैंने उसको तुरंत कॉल की कि चलो ये प्रॉब्लम है, ये बात है, तो अब नेक्स्ट क्या। तो ही वॉज सो हैप्पी, लाइक ही इज़ द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड। सो इतना ही ज़्यादा वो खुश था। तो फिर हमारा कंसर्न गया कि ये मतलब हम दोनों ही एक ही चाइल्ड है, मतलब सिंगल चाइल्ड है हमारे पेरेंट्स के। तो इट वॉज क्वाइट टफ फॉर आस कि हमने किसी भी बच्चे को पालते हुए हमारे सामने नहीं देखा। तो सब कुछ नया नया सा था। तो ठीक है, तो उस दिन रात को हमने हमारे पेरेंट्स को फ़ोन किया। तो सबसे पहले मेरी पेरेंट्स को मैंने फ़ोन किया, उन लोगों को हमारे जो कॉन्सर्न्स थे, हमारे इंश्योरेंस, हमारे जो भी कॉन्सर्न्स थे, हमने उनको विस्तारित रूप से बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये हम कर सकते हैं, अब क्या करें। तो आई सॉ कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो लोग बोले नहीं, कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अभी मतलब कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंस्ड मत हो। तो हम लोगों ने उतना ज़्यादा टेंस्ड नहीं हुए। फिर हम लोगों ने सप्तोषी के घर वालों को फ़ोन किया, उन लोगों ने भी हमारे कंसर्न्स सुने। आई थिंक माई इन लॉज वर नॉट दैट मच हैप्पी। आई थिंक वो लोग, उन लोगों को कुछ और चाहिए था, या फिर आई डोंट नो एक्चुअली। सो समथिंग वॉज नॉट राइट दैट वे। सो ऐसा हुआ, और फिर हम लोगों ने ठीक किया कि यहाँ पर पास में एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, तो हम लोगों ने ठीक किया कि चलो वहाँ चलते हैं। क्योंकि मैं कोलकाता में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को मैंने कभी नहीं दिखाया, तो मुझे पता नहीं था कि किसके पास जाना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो हम लोगों ने चूज़ की कि चलो उसके पास ही चलते हैं। तो हम जब गए तो वहाँ पर मेरी सबसे पहले जो टेस्ट हुई, दैट इज़ बीटा HCG ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट उन्होंने करवाने को बोला। फॉलिक एसिड टैबलेट दी, हम सब कुछ ले लिए। दैट टाइम बीटा HCG वॉज 233, दैट वॉज वेरी लेस। सो उन्होंने बोला कि दो दिन बाद फिर से वो टेस्ट करवाओ, अगर ये दो दिन में डबल हो गया तो इट इज़ अ सेफ प्रेगनेंसी, अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो वहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऐसा कि ये पहले ही उल्टा सीधा का बात क्यों कर रही है, तो ऐसा था। हमने वहाँ से लौटने के बाद हम लोगों ने देखा कि वो हॉस्पिटल हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, दैट वॉज नॉट सो क्लीन, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। तो वी आर सो टेंस्ड कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कहाँ जाए। तो मैंने मेरी माँ को ही फिर से बोली कि तुम देखो यहाँ पर कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिले या फिर। तो माय मदर इज़ अ स्कूल टीचर, ही स्टिल वर्किंग, एंड माय फादर एज वेल स्कूल टीचर। सो मेरी माँ की एक कलीग थी, उसकी डिलीवरी इस 2 years back हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि साउथ कोलकाता में एक क्लिनिक है जहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए सजेस्ट किया उन्होंने। हम लोग गए, और जाने के बाद वहाँ का जो सेटअप था हमें वो पसंद आया। तो मेरी जो बीटा HCG का सेकंड रिपोर्ट था वो आ चुका था तब तक। तो वो उन्होंने वो रिपोर्ट देखे, और फिर मेरी एक अल्ट्रासाउंड हुई। पहली बार जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो एक स्क्रीन था, दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स मी, सो दैट वॉज TVU, दैट इज़ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो मैंने देखी कि एक सैक
वाटरफुल सैक, स्क्रीन में तो इतना बड़ा ही दिखाई दे रहा था तो मैंने देखी. बट दैट टाइम आई हैड, मैं ये नहीं बोल सकती कि दैट टाइम आई हैड 100% ऑफ फीलिंग्स लाइक दिस टाइम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर. और फिर हम वापस आ गए वहाँ से. नेक्स्ट हम जब गए तब मार्च के सेकेंड वीक में हम गए, लेकिन सेकेंड जो मेरी विजिट थी उसकी दो दिन पहले से मेरी फीवर थी, मुझे वायरल फीवर हो गई थी. दैट फीवर के वजह से आई वॉज सो टेंस, तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया. उन्होंने बोला कि कोई दवाई मत लो इस टाइम, आप कोई दवाई नहीं ले सकते हो. सो दैट टाइम इट वॉज़ अ बिग सफरिंग फॉर मी, क्योंकि मैं कोई दवाई नहीं ले सकती थी फीवर के लिए. बस जो कैल्पॉल 625 है वो मैं ले रही थी, वो भी 8 घंटे के बाद एक वो मैं ले रही थी. फिर हम जब चेक करने गए, पहली बार मैं दैट टाइम अल्ट्रासाउंड में अपनी बेबी को फुल एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर में देखने वाली थी तो आई वॉज़ क्वाइट एक्साइटेड कि चलो क्या होने वाला है देखते हैं. तो अल्ट्रासाउंड में मैंने देखी कि एक छोटा सा इतना सा एक, मतलब हाथ पैर है उसका, एक दिमाग है बड़ा सा, वो ना कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, लाइक ही इज़ नॉट लाइकिंग द अल्ट्रासाउंड, सो ही इज़ एस्केपिंग एवरी टाइम. वो देखकर मतलब दिल को एक ठंडक पहुंच गई दैट टाइम, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. तो डॉक्टर बोला बेटी ये देखो ये कितना शैतान बच्चा है, ये बस हिल रहा है, मुझे कुछ भी मेजर करने नहीं. नेक्स्ट मेरी जो विजिट थी वो थी मई महीने को, दैट वेरी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब. तो दैट वाज एनोमली स्कैन. तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि थर्ड मंथ पर, दैट इज़ 13th वीक पर, जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है उसके साथ यहाँ पर एक और टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड FTS. उसमें क्या होता है, बच्चे का जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है कि उसको कोई डाउन सिंड्रोम्स लाइक कोई सिंड्रोम है या नहीं, या फिर वो एक कंप्लीट हेल्दी बेबी है या नहीं, ये चेक किया जाता है. एक नेचुरल कॉर्ड होता है, उसका लेंथ मेजर किया जाता है यहाँ पे कंधों पे. तो उससे ये आप देख सकते हो कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं. अगर हेल्दी नहीं है तो आप तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हो. तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो नेक्स्ट आई एनुअली स्कैन, दैट इज़ इन 22nd वीक. 22nd वीक को मैं जब गई थी तो मैंने देखा कि वो छोटा सा शैतान अब बड़ा हो गया है और वो मतलब ही वॉज लाइक प्लेइंग फुटबॉल ऑल द टाइम इन द वूम्ब. सारे टाइम वो फुटबॉल ही खेलता रहता, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव बेबी था. तो हमारा एनुअली स्कैन हो गया, उसमें भी सब कुछ ठीक ठाक ही आया. तो हमारा शेड्यूल्ड जो विजिट था वो हुआ नेक्स्ट 28th वीक को. दैट टाइम हम गए कुछ ब्लड टेस्ट, HbA1c, दैट इज़ शुगर टेस्ट, ये सब कुछ टेस्ट किया उन्होंने. फिर सब कुछ ठीक लगा उनको, उन्होंने फिर से हमें वापस भेज दिया. फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, दैट इज़ 32nd वीक. 32nd वीक को क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरी सारी मतलब फेस से लेकर टोज तक मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगा पूरी बॉडी में. नॉर्मल तो एब्डोमेन में ईचिंग आते ही है प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि जो स्किन स्ट्रेच होता है इसकी वजह से आपका स्क्रैच हो सक आप स्क्रैच कर सकते हो, पर पूरी बॉडी में क्यों होगी. तो मैंने सबसे पहले मेरी माँ को फ़ोन की कि ये प्रॉब्लम हो रहा है आज सुबह से, तो मैं क्या करूँ. तो मेरी माँ ने बताया कि नहीं ये सब कॉम्प्लीटली नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम. तो मैंने अपनी इन लॉ मतलब मदर इन लॉ को भी बताई कि ये ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या करें, क्या मतलब नेक्स्ट क्या है. तो उन्होंने बताया कि नहीं ये भी कॉम्प्लीट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत सारे हमने सुना है ऐसा होता है. तो मुझे लगा देयर इज़ समथिंग, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पूरी स्किन ऐसे इच क्यों करेगी, मतलब इट वॉज सो अनकम्फर्टेबल, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैंने
बहुत जल्दी ही डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला कि तुम जल्दी जाओ, मतलब भागे जाओ, नेक्स्ट दिन सुबह को ही तुम एक LFT करवाओ। LFT होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो मैंने वो करवाई। लिवर फंक्शन टेस्ट में पहले मेरा जो एंजाइम्स है, लिवर एंजाइम्स, वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड आया। ये क्या होता और ये क्या है? ये एक्चुअली है ICP, दैट इज़ इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस। मतलब जो हमारे हॉर्मोन्स का लेवल है ड्यू टू प्रेगनेंसी, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में होता है। तो इट्स वेरी रेयर, बट कभी कभार किसी किसी औरत को ऐसा होता है कि उनका लीवर का जो एंजाइम है वो एलिवेटेड हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, और जो बाइल डक्ट है उसका मुंह बंद हो जाता है। तो बाइल नॉर्मल फ्लो करके आपके इंटेस्टाइन में नहीं आ सकता है, तो आप फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो फैट को दैट टाइम। तो इस जो कंडीशन है इसको बोलते हैं ICP। तो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ ICP एट 32nd week। तब हमें पता चला कि ICP के वजह से फिटल मॉर्बिडिटी ज़्यादा होता है। मतलब अब इंडिया में अभी बहुत सारे बच्चे बस ICP के कारण उनका डेथ हो गया है। तो ये हम बहुत डर गए इससे कि ओ चलो आई एम डायग्नोस्ड विथ ICP। पर रात को मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत मतलब शांति से बैठकर समझाया कि ICP कोई बड़ा बात नहीं है, ये बहुत छोटा सा बात है। इसमें मेडिकेशंस है, तो 800 मैं जो मेडिकेशंस ले रही थी उसको लेने से एक हफ्ते में तुम ठीक हो सकते हो। पर ये जो ईच है ये रह जाता है किसी किसी औरत के लिए। पर मेरी क्या हुआ, नेक्स्ट वीक मैंने जब फिर से LFT की, तब देखा कि मेरी जो लिवर एंजाइम्स है वो ड्रेस्टिकली नॉर्मल पे आ गई है। मतलब इतना ज़्यादा से इतना जल्दी इतनी नॉर्मल लेवल पे आना मुश्किल था, पर आ चुका है। तो चलो एंड मेरे जो ईचिंग थे स्किन में वो भी नहीं है। और फिर डॉक्टर ने देखा, बोला कि ठीक है अगर सब कुछ ठीक चले तो वील वेट फॉर 38th week, चलो देखते हैं। सो 35th week पर ये हुआ कि अचानक से डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेबी का मूवमेंट ध्यान रखना, तो मैं ध्यान रख रही थी। एक दिन मंडे को मॉर्निंग को मुझे लगा कि बेबी बहुत कम मूव कर रहा है, ठीक है, पर एक दो मिनट में मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। तो ठीक है, सप्तर्षि ऑफिस चला गया, मुझे लगा कि नहीं चलो छोड़ो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैंने खा लिया सब कुछ कर लिया। फिर जब शाम को वो लौटे फिर भी मैंने उसको बताया कि देखो बेबी का मूवमेंट बहुत कम है, चलो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। तो 7:30 बजे हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला कि तुम एक काम करो, इमीडिएटली मेरी डिलीवरी हुई थी AMRI मुकुंदपुर में, तो वहाँ पर की इमरजेंसी में आ जाओ, हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो हम लोग चले गए तुरंत वहाँ पर जाके इमरजेंसी में। वो लोग मेरी बच्चे की ECG करने लगे, एक डिवाइस होते हैं उनके पास। मेरी अदर जो क्राइटेरिया है, जो फैक्टर्स है, लाइक मेरी दैट टाइम मेरी शुगर लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर में मेरा जो SpO2 है वो चेक करने लगे, वो सब कुछ नॉर्मल था। तो जब ECG करने लगे तब ये बेबी जाके ऐसे डांस करने लगा ऐसे। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये बहुत शैतान बच्चा, ये सारा दिन सोता रहा अब जागे हैं। तो हम लोग बहुत डर गए थे। और तब रात की 10 बजे हम लोग AMRI मुकुंदपुर में जाके पहुंच पाए थे, क्योंकि दैट टाइम यहाँ पर कुछ प्रोसेशन था चाकला में, जो लोकनाथ बाबा के टेंपल है वहाँ पे लोग चल के जाते हैं उनके उनमें पानी डालने के लिए, गंगा से बाग बाजार से पानी लेकर वो लोग चाकला तक जाते हैं। तो बहुत जैम था, हम लोग जैम में फंस गए थे, और हॉस्पिटल पहुँचते रात की 10 बज गए। तो रात की 2 बजे वो लोग कंफर्म किया कि सब कुछ नॉर्मल है, अब तुम घर वापस जाओ और 38th week पर जो शेड्यूल डेट है उस डेट पर वापस आओ। तो हम लोग रात की 2 बजे वहाँ से निकले, 2:45 को हम घर पहुँचे। फिर
फिर सो गए। एंड तो लास्ट मेरी विजिट उनके साथ थी 36th वीक को। 36th वीक में मैं जब उनके पास गई तब मेरी एक और अल्ट्रासाउंड हुई, मतलब डिलीवरी के पहले। दैट टाइम माई बेबी वॉज अपसाइड डाउन, सो एवरी एनवायरनमेंट, एवरी फैक्टर वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बट हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है। इसीलिए क्योंकि डॉक्टर के साथ पेशेंट्स का जो रेशियो है दैट इज़ वेरी लेस। एक डॉक्टर अगर 400 पेशेंट्स को एक साथ संभालेगा तो नॉर्मली उनके पास टाइम नहीं होगा कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको वो हेल्प कर सके। तो मेरी, मैं उनसे बात की, उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की फॉर नॉर्मल डिलीवरी, पर उन्होंने फाइनली बताया कि नहीं अभी टाइम नहीं हो सकता है, ऐसा ही बताया। और फिर हमने शेड्यूल कर लिया एक डेट, इसी दिन हमारे डिलीवरी होने वाला है। तो 28th ऑफ अगस्त 2019 हम लोगों ने डिलीवरी के डेट फिक्स की। तो 27th ऑफ अगस्त मॉर्निंग को हम लोग निकल गए फॉर हॉस्पिटल। तो मॉर्निंग में जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तब मैंने आराम से बैठकर भात दाल दैट इज़ राइस दाल सब्जी फिश सब कुछ खाई, मतलब बहुत आराम से बैठकर खाई। आई वॉज़ लाइक, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम भी जब सेमेस्टर स्टार्ट होती थी जेवियर्स में तो मेरी टेंशन का लेवल यहाँ पे रहती थी, और जब सेमेस्टर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता था तो मेरी टेंशन धीरे धीरे कम होता जाता था। और एग्ज़ाम्स के बिल्कुल पहले दिन मेरे अंदर कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। तो एग्ज़ाम के दिन मेरे अंदर कोई भी टेंशन नहीं रहती थी, मैं कम्प्लीटली क्या है कोई प्रॉब्लम में, बिकॉज मैं घूमने जा रही हूँ, ऐसी फीलिंग्स आती थी। तो इस टाइम भी मेरे साथ ऐसी हुई, क्योंकि मैं जो 27th को जा रही थी आई वाज लाइक मैं तो अभी पिकनिक मनाने जा रही हूँ। तो मेरी माँ और पापा आ गए थे डिलीवरी के लिए बस 2 दिन पहले। तो माई मदर वॉज आस्किंग मी, तुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है? नहीं, कम्प्लीटली मैंने कह दिया कि नहीं मुझे कोई फील नहीं आ रहा है। बाहर का लाइट कम हो गया था इसलिए मैंने घर का रूम का लाइट ऑन कर लिया है। तो क्या हुआ था कि उसको नींद नहीं आया था रात को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सुबह सुबह 5 बजे एक नर्स आ गई और मुझे एक कपड़ा दिया और मेरी जो बाथरूम एसेंशियल्स किट है उसको मुझे हैंड ओवर किया। तो मैं अपनी खुद की लेके गई थी तो मैं अपनी ही यूज़ की, पर एक और लिक्विड होता है जो हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया जाता है, वो ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक है। तो उससे मैंने नहाई, वो नर्स मेरी पानी तैयार करके दिया। तो मैं जाके नहाई, आराम से नहा रही थी। फिर नहाने के बाद उसने मेरा मतलब चोटी बना दिया 2 साइड पे। फिर एक और आई जो कि मेरी हाथ में चैनल बनाई, वहाँ से सलाइन पुश किया, फिर वो लोग मुझे ओटी में ले जाने के लिए आ गए। मेरी मॉम डैड तब आ गई वहाँ पर, मेरी माँ पापा तब आ गई वहाँ पर। और मैं देख रही थी मेरी माँ बहुत मतलब डर सी गई थी, वो रो रही थी, पर मुझे उतना डर नहीं लगा। शप्तोषी भी बहुत डरा हुआ साथ दिख रहा था, मेरे पापा भी डरा हुआ था क्योंकि उन्होंने पहली बार मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए देख रहा है। लास्ट टाइम आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड जब मैं 1st ईयर में थी, तब मुझे इन्फेक्शन हो गया था इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, CMRI में मैं थी। फिर वो लोग आए और मुझे OT में लेके चले गए। OT में मैंने जाकर देखा कि जो डॉक्टर्स थे दे वर सो फनी, वो लोग मुझसे जोक्स बोल रहे थे मेरे सामने, मुझे हंसा रहे थे सारे। मतलब एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, एक पेडियाट्रिशियन थे, मेरी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट 2 या 3 गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनमें से एक मेरी जो मैं जो क्लिनिक में दिखाती थी वो डॉक्टर थी। तो वहाँ पे मतलब
ओटी में कुछ भी फील नहीं हुआ, मेरी मतलब कमर से नीचे के पार्ट कम्प्लीटली एनेस्थेसिया था वहाँ पर, तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को सबसे पहले बता ही दिया था कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड को काटे बगैर मुझे वो मेरी बच्चे को उठा के दिखाओगे, मुझे डर वर नहीं लगता है कुछ। तो उन्होंने वही किया। तो जब मतलब उनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वो मेरी बेबी को देख सकते थे पेट के अंदर, और फिर वो जंप कर गए कि देवारती देख, इट्स अ बॉय। दैट फीलिंग्स, माय गॉड, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, लाइक हेवनली। तो वो उन्होंने उसको निकाला और ऐसे ऐसे उठा के मुझे दिखाया कि ये देख। तो एक छोटा सा बेबी ऐसे ऐसे करके देख रही थी मुझे, मतलब इट वाज सो क्यूट। और उसको फिर अम्बिलिकल कॉर्ड उसको काटने के बाद उसको उसका जो अपगर स्कोर होता है उसको मेजर किया उन लोगों ने, उसका वेट देखा। वेट देखने के बाद उसको मेरे पास लाया तो मैं उसको छोटा सा किसी दे दी गाल पे, वाज सो क्यूट, रियली वाज सो क्यूट। तो फिर उसको लेके चले गए वहाँ से। मैं बाद में सप्तर्षि से सुना कि वो लोग फिर उस सप्तर्षि के गोद में उसको दी थी वो नर्स। सप्तर्षि वाज लाइक, वो जब भी वो बात मुझे बताता है कि पहली बार उसने पीनाक, मेरे बेटे का नाम पीनाक है, उसको गोद में लिया, दैट फीलिंग वॉज हेवनली। उसकी आँखों में हर बार आंसू होता है कि मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि पूरी दुनिया उसके हाथ में आ गया था उस डे। मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि पूरी दुनिया उसके हाथ में आ गया था दैट डे। सो मतलब तब से लेकर अब तक, अभी पीनाक का एज 10 मंथ्स है, अब तक वो एटलीस्ट 1000 टाइम्स मुझे वो बात बता चुका है, और एवरी टाइम मैंने उसके आँखों में आंसू देखा है। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और मुझे बेड में दिया गया। तो बेड में देने के बाद मैंने देखा कि वो छोटा सा पंडल को वो लेके आए और फीड करवाने के लिए लेके आए उस दिन। नेक्स्ट डे से मुझे लगभग 500 मीटर था मेरी रूम से नर्सरी तक, मुझे चल के जाना पड़ता था। नर्सरी में जाके बेबी को नर्स करवा के फिर वापस आओ, मतलब हर 2 घंटे में जाओ, इट वाज क्वाइट टफ। पर एक अलग सा खिंचाव होता है कि वो मुझे खींचता है, मैं चली जाती हूँ। मतलब तब ये दिमाग में ही नहीं रहता है कि मुझे पेन है या फिर प्रॉब्लम्स है। तो नेक्स्ट डे मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स आए मुझसे मिलने के लिए, मैं वो फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी। और सब कुछ नॉर्मल था, मैं चल पा रही थी, मैं चल के गई नर्सरी तक, हर 2 घंटे में जा रही थी। शाम को क्या हुआ था कि शाम को वो लोग मुझे पायरिजेसिक देना भूल गए। क्या है, मेरी माँ की जब सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तब उनको पेन किलर के जो इंजेक्शन्स है वो दिया गया था। मेरी माँ को पेन किलर के जो इंजेक्शन्स हैं वो दिया गया था, पर मेरी टाइम मैंने देखा कि वो लोग पेन किलर के इंजेक्शन्स इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये किडनीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, किडनीज़ ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए ये लोग बस 1000 मात्रा की पायरिजेसिक हम लोगों को दिया, और बस एंटीबायोटिक चल रहा था और कुछ भी मेडिसिन नहीं चल रहे थे तब। तो पायरिजेसिक देना मुझे नर्स भूल गई थी शाम को 6 बजे, जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी। पर रात को सब कुछ नॉर्मल ही था, डॉक्टर आए, फिर उन्होंने देखा कि वो पायरिजेसिक देना भूल गई है, और फिर पायरिजेसिक मैंने ली तब, और सब कुछ नॉर्मल ही रही। 4 दिन बाद हम लोगों ने पीनाक को लेकर घर पर वापस आ गए। जब हम घर पर वापस आ रहे थे, सप्तर्षि उसको ऐसे लेकर बैठा था, मतलब मानो कि वो किसी को नहीं देने वाला है। इस तरफ मेरी माँ थी, इस तरफ मैं थी, वो बीच में लेकर बैठा था उसको, वो किसी को नहीं देने वाला था। तो ऐसे ही हम लोग वापस घर पर आ गए, और तब से मानो अब तक तो उसका 10 मंथ्स एज हो चुका है।
हम लोगों ने ना घर पर कोई मेड नहीं रखी बेबी के लिए। नॉर्मली हमने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि बेबी को संभालने के लिए वो लोग अलग से एक बेबी सिटर रख लेते हैं, तो हम लोगों ने बेबी सिटर नहीं रखी। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो एवरी टाइम, मतलब एवरी सेकेंड मैं पिना के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ थी यहाँ पर, मेरी माँ मेरी केयर कर रही थी और मैं पिना की, उसको नर्स करना, उसको धुलाना सुलाना सब कुछ मैं कर रही थी। इस टाइम पेडियाट्रिशियंस तो कम्प्लीटली 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करते हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बोथ फॉर बेबी एंड फॉर मदर। तो मैंने 6 मंथ्स तक पिना को ब्रेस्ट फीड की है और बाकी के टाइम मैं उसके पास ही रहती थी। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था कि मुझे रात को 5 से 6 बार उठना पड़ता था पीना को फीड करवाने के लिए। दैट वाज अ टफ पार्ट, इसलिए क्योंकि आप ऑपरेशन के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं पाती हो, आपको बेबी को नर्स करना होता है तो आप रेस्ट नहीं ले सकते खुद। तो रात को इतनी बार जागने के लिए ये थोड़ा टफ था। पर क्या होता है, 3 महीने के बाद से पीना रात को फीड लेने के लिए बस 2 बार उठता था, और 6 महीने के बाद वो 1 बार उठता था, और अब तो वो उठता ही नहीं है। अभी वो रात की 10 बजे सो जाता है और सुबह की 8 बजे उठता है डायरेक्ट। सो अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोग एक साथ सो जाते हैं। मैं बस उसको सुला देती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये जो टफ फेज है वो शायद वही लेडी इस वीडियो को देखेगी जिनकी आगे डिलीवरी हो। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी थी, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और जो मेरी माँ या फिर दादी कहती है उसके साथ अभी का जो सिचुएशन है वो 100% मैच नहीं करता है। बट वो लोग बहुत सारे वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस मुझे दी है, फिर भी जो मैचिंग वो अभी के टाइम के किसी से सुन लो तो शायद बेटर है। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी है, तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी देखेंगे। और अगर आपकी वीडियो पसंद है और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस में बनाती रहूँ, तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है। और मेरी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक में जाके टाइप कीजिए अन्नपूर्णा। और मेरी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, वो आप करो। और मेरी बाकी के वीडियोस मेरी चैनल पे जाके देखना मत भूलिएगा। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ थ्रू यूट्यूब, ऐसे झट से मैं नहीं बनाऊँगी। एक अच्छी कम्युनिटी बनना चाहिए जिसमें हम इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि मुझे ईमेल्स करते हैं, तो मुझे वो ईमेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब मैं 2-3 बार रीड कर लेती हूँ पूरा, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे ईमेल्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।